हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ राजमा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको इसमें ना ही तो मिक्सी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और चीज़ की, क्योंकि हम इसे बहुत ही आसान से तरीके से बनाने वाले हैं, बिना किसी मसाले को पीसे या बिना किसी टमाटर की प्योरी के। तो जी चलिए हम फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी राजमा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर हमने ले लिया है राजमा, और मैंने यहाँ पर कप से नाप करके 2 कप राजमा ले लिया था, और इसको मैंने पानी में भिगो दिया है कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और ये वाइट वाला राजमा है, 2 तरह का राजमा आता है, तो एक तो है रेड कलर का और एक ये वाला राजमा होता है वाइट से कलर में, तो मैंने ये वाला राजमा लिया है। और साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं 4 टमाटर, इसको मैंने 2 भागों में इस तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, हमें ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, इसको मैंने रफली कट कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं धनिया के डंठल, जो धनिया होते हैं ना, उसके जो डंठल होते हैं वो हमने यहाँ ले लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ गर्म मसाले लिए हैं, तो इसमें मैंने एक बड़ी इलायची और दालचीनी 7 से 8 मैंने यहाँ पर लिए हैं, काली मिर्च और 3 लौंग। साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं तेज़पत्ते, और यहाँ पर हमने कुछ लिए हैं पाउडर मसाले, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के धनिया, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी ली है, और 1 चम्मच हमने लिया है नॉर्मल वाली जो मिर्च होती है वो, और साथ ही हम यहाँ लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। कस्तूरी मेथी मैंने यहाँ पर ली है 1 चम्मच, और साथ ही हमने यहाँ पर ली है हींग। और हम कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, अगर आप चाहें तो रिफाइंड में या बटर में भी बना सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हमने मुट्ठी भर हरा धनिया को कट करके ले लिया है, साथ ही 2 से 3 हमने यहाँ पर ले ली है हरी मिर्च। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गैस पर कुकर को चढ़ा दिया है, और हमने यहाँ पर जो ऑयल लिया था ना, उसको हम डाल देंगे कुकर में। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो जी यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसको मैंने हल्का ठंडा कर लिया है। ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम कुछ भी चीज़ डालेंगे ना, तो वो जल जाती है, तो इसलिए हमें हल्का ठंडा करके ही डालना है। तो यहाँ पर हमने जो गर्म मसाला लिया था ना, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा ले लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है, और इसको डालकर हमें हल्का सा चटकने देना है। उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे हींग, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है राजमा में हींग का, ज़रूर से डालिएगा। तो जी यहाँ पर हमारा गरम मसाला हो चुका है, और अब हमने यहाँ पर जो प्याज कट करके रखी थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद हमें अच्छे से चलाते हुए इसे लाइट गुलाबी होने तक अच्छे से पका लेना है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, और इसे हल्का सा गुलाबी होने तक ही पकाना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का हल्का गुलाबी कलर आ चुका है। तो जी यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट लिया था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है, और लगातार कम से कम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। तो जी यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो भी एकदम लाइट है, और साथ ही हमारे जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था ना, वो भी अच्छे से पक चुका है। और अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर जो हमने काट कर रखे थे ना, वो हमने यहाँ ले लिए हैं, और साथ ही हमने यहाँ पर जो धनिया के डंठल थे ना, वो भी हमने ले लिए हैं, और इनको डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि राजमा बना रहे हैं तो इसमें हमने टमाटर की प्योरी बनाकर क्यों नहीं डाला, लेकिन आप बस देखते जाइए, और देखते ही देखते हमारा राजमा बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो पाउडर मसाले लिए थे ना, वो भी इसमें डाल देना है, और डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, बिना मिक्सी के, और बहुत ही अच्छा सा हमारा राजमा बनकर तैयार होगा। इस तरीके से चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं बहुत ही बढ़िया से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो जलेंगे बिल्कुल भी नहीं, और बढ़िया से वो भी पक जाएंगे। तो इस तरीके से हमें डाल देना है, और इसे अच्छे से हमें भूनना है। सारे टमाटर को हम पलट कर स्किन की तरफ से ऊपर कर लेंगे इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं ना। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 कप पानी मैंने इसके अंदर और डाल दिया है, और पानी डालने के बाद हमने अच्छे से इसे चला लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ले ली है कुकर की लीड यानी कि ढक्कन, तो इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, और कम से कम 2 सीटियाँ आने तक हम इसे पका लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सीटियाँ यहाँ पर 2 आ चुकी हैं, और अब हम इसके प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद हम इसे खोल कर चेक करेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर निकल चुका है, और अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है मसाले में, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारे टमाटर भी गल गए हैं। और मैं इसे एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ, तो ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया से हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेना है रोटी बनाने वाला चिमटा, ये तो नॉर्मली सबके घर में अवेलेबल होता ही है, तो चिमटा हम ले लेंगे, और इस तरीके से हम इसकी जो स्किन है ना टमाटर के ऊपर की, उस स्किन को निकाल देंगे। बहुत ही इजीली निकल जाती है, बहुत ही आसानी से, तो इस तरीके से हम सारे टमाटर की जो स्किन है उसको निकाल लेंगे इस तरह से।
तो जी यहाँ पर हमने सारे टमाटर की स्किन को निकाल दिया है और यहाँ पर हमने ले लिया है चमचा, और चमचा हमें लेना है इस तरीके से जिससे कि हम टमाटर को अच्छे से दबाएंगे और प्रेस करेंगे तो हमारे जो टमाटर हैं बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए हैं। इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से ये मैश हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको टमाटर की प्योरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिक्सी में पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, पक भी गए हैं, और यकीन मानिए गाइस टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। एकदम जैसे आप बाहर जाकर खाते हैं ना, उस तरह का राजमा हमारा बनकर तैयार होता है। इस तरीके से चलाते हुए और प्रेस करते हुए हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें से तेल अलग और मसाला अलग ना हो जाए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला जो है भून करके तैयार हो चुका है और तेल अलग और मसाला अलग हो चुका है। इसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि हमने इसे बिना पीसे बनाया है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका, बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर भी आया है। तो जी अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अच्छे से एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भुन गई हैं मसाले में। तो जी यहाँ पर हमने जो हरी मिर्च कट करके रखी थी ना, वो हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे इस वक्त, और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। तो जी हमारा मसाला जो है बनकर के तैयार हो चुका है, इसका तेल अलग और मसाला अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है। और अब हमने यहाँ पर जो राजमा भिगोकर रखा था ना, वो राजमा हमें कच्चा राजमा ही इसमें ऐड करना है। इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा, उसे निकाल देना है। उसके बाद हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे, और राजमा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें राजमा को उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो राजमा होता है ना बहुत ही जल्दी से गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और ना ही तो हमें कोई सोडा डालने की ज़रूरत है, कुछ और डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना भी पानी हमें चाहिए होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पानी लगा देंगे, क्योंकि राजमा को हमें गलाना है तो लगभग 2 से 3 सीटी हमें यहाँ पर लगानी होंगी। और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो जी मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है, और कुकर के ढक्कन को हमने कर दिया है बंद। और अब हम इसमें 3 सीटियाँ लगा लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है यानी कि राजमा की जो ग्रेवी है ना बहुत ही बढ़िया से थिक हो जाएगी और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो जी यहाँ पर हमारी जो सीटियाँ हैं वो आ चुकी हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और उसके बाद हम इसे 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो जी यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कुकर का जो प्रेशर था वो निकल गया है, और अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। तो जी ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया से हमारा राजमा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है, इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही बढ़िया है। अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे कि इसकी जो ग्रेवी है और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, और हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे पका लेंगे इस तरीके से। और साथ ही हमने यहाँ पर ली है कस्तूरी मेथी, तो वो कस्तूरी मेथी को हम यहाँ पर इसमें हल्का सा क्रश करके डालेंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। कस्तूरी मेथी को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो जी इसे मिक्स करने के बाद लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाले को लास्ट में ही ऐड कीजिएगा, इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहती है। साथ ही हमने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और दोनों चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से चला लेना है और हल्का सा पका लेंगे 1-2 खौल आने तक। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो राजमा है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए अभी ये गर्म है और बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हुआ है। और हम क्या करेंगे, बस हल्का सा इसे 1-2 उबाल आने तक और पकाएंगे, और उसके बाद हम कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा राजमा बनकर तैयार हो चुका है। अभी जब ये ठंडा होगा ना तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो जी अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, राजमा हमारा बनकर तैयार है, गर्मा गर्म राजमा। यहाँ पर हम चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो जी ये देखिए फटाफट से हमारा राजमा बनकर तैयार हो चुका है। हमने ना मसाले को पीसा, ना किसी मिक्सी की ज़रूरत, और बिना किसी झंझट के बहुत ही आसान से तरीके से हमारा राजमा बनकर तैयार हो चुका है। एकदम जैसे मार्केट वाला, जैसे कि ढाबा स्टाइल हमारा राजमा बना है। आप जैसे बाहर जाकर खाते हैं ना, टेस्ट भी आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा राजमा भी गला है, और बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर भी आया है। तो जी इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर चावल के साथ, चावल के साथ तो वैसे ही राजमा चावल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इस तरीके से भी आप इसे खा सकते हैं ज़ीरा राइस के साथ में। और यहाँ पर हमारा राजमा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा मेरी तरीके से, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।